हम चलते हैं अब सोना के पास, यानी प्रमोद तिवारी की जो बेटी हैं ये हैं सोना और मोना की बहन सोना। सोना जी बताइए, आपने तो बहुत मतदान किया है और कई बार आपने अपने पिता के का साथ दिया, अपनी बहन का साथ दिया है, इस बार क्या होगा रामपुर खास जो हर बार होता है? रिकॉर्ड बनेगा, बिल्कुल रिकॉर्ड बनेगा। 1980 से जीत रहे हैं आप जी, 1980 से जीत रहे हैं और मुझे लगता है इस बार भी हम लोग इस पे कायम रहेंगे। तो किन मुद्दों पे मतदान होगा इस बार? हमारे यहाँ तो हमेशा मुद्दा विकास का रहा है और इस बार भी वही है। ये योगी जी ने और इस सरकार ने इतना काम किया है तो फिर जनता आप पे क्यों विश्वास? काम तो हमारे यहाँ मोना जी और प्रमोद तिवारी जी ने किया है और विकास के जो भी कार्य हुए हैं वो यही इन्हीं लोगों ने किया है। अब योगी जी के कामों के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँ। खास में 1980 से लगातार आप लोग जीत रहे हैं तो 2022 में मार्जिन बढ़ेगा कम होगा क्या? मुझे लगता है बढ़ेगा। कुछ ऐसी महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, योगी जी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा हमने किया है और सरकार कह रही है, तो आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा इस सरकार में हुई है 17 से लेकर 22? वो तो इतने ढेर सारे जो नाव रेप केस है सारे केसेस बताते हैं कि कितनी सुरक्षा हुई है लोगों की, खासकर महिलाओं की। आप भी एक महिला है, लड़की हैं, आपको भी कुछ महसूस हुआ सिक्योरिटी? नहीं, ऐसा तो महसूस ऐसा मैं तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं तो मतलब एक ऐसे परिवार से आती हूँ, लेकिन फिर भी जो मैं जिन लोगों के संपर्क में आती हूँ उन महिलाओं ने मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं दी कि वो बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं इसमें। अच्छा, प्रियंका जी का असर पड़ेगा यूपी में? बिल्कुल पड़ेगा। क्या देख रही हैं खास आप प्रियंका? जिस तरीके से प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, संगठन को मजबूत कर रही हैं और लोगों के बीच में जा रही हैं और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना रही हैं, उससे जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको लगता है कि प्रियंका जी का जो जादू है वो चलेगा 2022 में? बिल्कुल चलना चाहिए। कांग्रेस मजबूत हो? कांग्रेस मजबूत होगी और हो सकता है हम सबसे सरकार भी बना लें। सरकार बनाए? तो किस आधार पे कह रही है सरकार? सबको 400 के पार जा रहे हैं, 300 के पार जा रहे हैं, आप कितने के पार जा रहे हैं? मैं किसी पार की बात नहीं कर सकती, मैं ये कह सकती हूँ कि प्रियंका जी ने विकास के मुद्दे और जो लोगों से जुड़े हुए जमीनी लोगों से जुड़े हुए मुद्दे थे उसको उठाया है और उसके साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो ज़रूर वो लोगों तक बात उनकी पहुँची होगी और उन्होंने वो जो जुड़ाव उनका लोगों से हुआ उसका असर जरूर देखा।